मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। और आज है ग्रीन कलर। अभी मुझे दोपहर को ना ताई के साथ जाना है मंदिर, हेदौड़ी महालक्ष्मी मंदिर, तो मैंने पहले ये साड़ी निकाल के रखा था ग्रीन, बट ये बहुत लाइट कलर है तो मुझे टेंशन हो रहा है कि कहीं इसको कुछ दाग लग जाएगा ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने उसके साथ उसका ब्लाउज भी निकाल के रख दिया था, बट मम्मी भी वही बोल रही कि थोड़ा डार्क में कुछ पहन के जा, बिकॉज कुछ भी ज़रा सा लग जाएगा तो पूरा ख़राब हो जाएगा। सो देन आई डिसाइडेड दैट आई विल वेयर दिस ग्रीन कलर, क्योंकि ये भी प्रॉपर ग्रीन है और डार्क कलर का है, और इसके मैचिंग का ब्लाउज भी है मेरे पास तो वो भी परफेक्टली बैठ जाएगा। और ये साड़ी भी हल्की है, ज़्यादा काट पदर है लेकिन ज़्यादा वेट वाली नहीं है, और दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। सो मम्मी लाइक ग्रीन भी हो जाएगा, हल्का लाइट वेटेड भी, सो वो ये पहन के जाए। अभी के लिए तो मैंने ये पैरेट ग्रीन कलर का कुर्ती विथ पिंक लेगिंग्स के साथ पेयर अप कर दिया है। शान हो गई, ट्यूशन निशु गए मॉर्निंग शिफ्ट, आज फ्राइडे तो आई थिंक आज निशु को थोड़ा लेट होगा तो कुछ आइडिया नहीं है अभी हम लोग आज रात को गरबा खेलने जा पाएंगे कि नहीं, वो तो पता ही चल जाएगा आगे ब्लॉग में। और आज मैं लेके जा रही हूँ 1.25 किलो का प्रसाद बना के शीरा रवे का मंदिर में देने के लिए, क्योंकि 9 दिन नवरात्रि में हर कोई अपने अपने इच्छा से पसंद से कुछ ना कुछ लेके जाता है। सो मैंने सोचा इस साल मैं भी 1.25 किलो का प्रसाद लेके जाऊंगी। और आ गई हम लोग की सानू ट्यूशन से। अरे क्या आती उस पर बैठ गई। चलो अभी सानू का टाइम टेबल भरना है, सानू को रेडी करना है, और उसको छोड़ के आने के बाद मैं प्रसाद बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग को दोपहर में जाना है, क्योंकि ताई के घर पर भी देवी है तो ताई को वो सब नैवेद्य वेवेद का सब करके सेट करके फ्री होके फिर जाना पड़ता है, इसके लिए दोपहर को हम लोग जाएंगे। और अभी 9 दिन तो मंदिर पूरा ओपन ही रहता है दर्शन के लिए, फुल डे ओपन रहता है तो आप कभी भी जा सकते हो। और ना तो यूजली कैसे सिर्फ फ्राइडे को ओपन रहता है, लेकिन नवरात्रि में प्रॉपर 9 डेज ओपन रहता है, सो वो टेंशन नहीं होता है कि बस फ्राइडे ही है तो अरे उसी दिन छुट्टी लेना हो या उसी दिन जाना, एनी डे विच एवर इज़ कम्फर्टेबल सुटेबल फॉर यू आप दर्शन के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं गणपति बाप्पा का और अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करके स्टार्ट करूँ, श्री गणेशा करूँ, बिकॉज ये मेरे लाइफ में सेकेंड टाइम है कि मैं 1.25 किलो का प्रसाद बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम तो हम लोग के घर में जब पूजा था, सत्यनारायण पूजा था इस घर का हाउस ओपनिंग, तभी मैंने बनाया था, और ये आज सेकेंड टाइम है। सो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत रेगुलर चीज़ है तो फटाफट मैं इंस्टेंटली बना लूँ, तो नहीं, बहुत बोलते ना इससे मैं बना रही थी कि बस अच्छे से बन जाए प्रसाद मेरा, अच्छे से बन जाए, वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि प्रसाद अच्छे से बन जाए। सो मैंने स्टार्ट कर दिया, और बाद में मम्मी ने भी मुझे ज्वाइन किया, शी ऑल्सो हेल्प मी, क्योंकि मम्मी को भी अच्छे से पता था कि 1.25 किलो प्रसाद है तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो एक जन के साथ एक जन और ऐड हो जाएगा तो फटाफट बन भी जाएगा। और बोलते ना एक दो जन रहते हैं तो एक दूसरे को पूछ के या कुछ कन्फ्यूजन होता है तो डिस्कस करके यू कैन गो अहेड, तो एक सपोर्ट मिल जाता है। एंड मम्मी को तो ये सब चीज़ में बहुत ये मतलब ना इंटरेस्ट है भगवान की चीज़ को लेके, तो प्रसाद था तो मम्मी वॉज मेकिंग अ पॉइंट कि प्रसाद बना रही है तो अच्छे से बनाना, प्रॉपर बनाना, तो शी वॉज गाइडिंग मी। तो मम्मी के गाइडेंस को लेके मेरा जो एक्सपीरियंस वो लेके थोड़ा मैंने यूट्यूब पे देखे, मैंने श्री गणेशा कर दिया, एंड ट्रस्ट मी द शीरा टर्न्ड आउट टू बी सो गुड, मतलब सेकेंड टाइम मैंने बनाया था लेकिन सच में इतना अच्छा बना था। 1.25 किलो का था तो इसमें सारा मेजरमेंट ना उस हिसाब से ही लिया था, जो रवा लिया था उसको भी 1.25 किलो लिया था, शक्कर भी 1.25 किलो था, घी भी 1.25 किलो के आसपास था, और ड्राई फ्रूट्स तो मैंने अंदाज से ही डाल दिया था, और हल्का से मतलब क्या वो इलायची पाउडर डाला था उसमें खुशबू के लिए, एंड देन वी स्टार्टेड। तो सब मेजरमेंट उस हिसाब से ही था, बस मैंने बड़ा सा बोलते ना टोप रख दिया जिसमें प्रॉपरली मिक्सिंग कर सके, और उसमें घी डाल दिया। पहले तो मैंने वन थर्ड घी ऐड किया, और धीरे धीरे जैसे लगते जा रहा था वैसे वैसे हम लोग उसमें ऐड करते जा रहे थे, और उसमें मैंने घी को अच्छे से गर्म होने के बाद पूरा कच्चा रवा ही डाल दिया, मतलब ये तो मार्केट का रवा है तो मतलब क्लीन ही रहता तो इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो डायरेक्ट कट करके उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि मैं आज कितने साल से सिल्वर कॉइन का ही रवा यूज़ करी तो मुझे अच्छे से उसका एक्सपीरियंस है दैट द रवा इज़ वेरी नाइस। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, और उसमें मैंने रवा डाल के उसको खूब देर तक स्लो गैस पे स्लो मीडियम तो जल जाएगा, स्लो मीडियम करके उसको बहुत अच्छे से खुशबू आने तक उसको बोलते ना रोस्ट करके लिया, जब उसका अच्छे से कलर चेंज हो गया, क्योंकि जैसे आप उसमें पानी डालते हो ना तो वो और वाइट दिखता है, तो इसके लिए हम लोग ने अच्छे से उसको कलर चेंज होने तक ब्राउन होने तक, मतलब एकदम ब्राउन नहीं, कलर उसका चेंज हो गया, खुशबू आने लग गया, तब तक उसको अच्छे से रोस्ट करके लिया, और जो ड्राई फ्रूट्स था ना उसको भी मैंने घी में रोस्ट करके लिया, और फिर मम्मी ने उसको छोटा छोटा उसका बोलते ना पीसेस करके दिया,
और अच्छे से रोस्ट करने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया, मतलब जितना रवा था उससे थोड़ा सा कम, मतलब मैंने जब मेजरमेंट किया तो 6 ग्लास रवा गया था, तो हम लोग ने इसमें 10 ग्लास पानी डाला, डबल नहीं डाला एग्जैक्टली, क्योंकि फिर वो बहुत चिपचिपा वाला रवा बनता था, मुझे ऐसा छुट्टा मतलब खुला खुला वाला रवा बनाना था, तो मैंने इसलिए इसमें सिर्फ 10 ग्लास पानी ही यूज़ किया है। और उसके बाद पानी मिक्स थोड़ा थोड़ा करके, बॉयल पानी, हाँ सादा पानी नहीं या गुनगुना नहीं, अच्छा बॉयल पानी डालेंगे तब वो अच्छे से खुला खुला बनता है, वो ऐड करके उसको मिक्स करके उसको ढक के रख दिया। जैसे ही रवा पक गया उसके बाद उसमें मैंने और थोड़ा सा घी ऐड किया, शक्कर ऐड किया, इलायची पाउडर ऐड किया, ड्राई फ्रूट ऐड किया और उसको वापस मिक्स करके स्टीम में कुक होने दिया, एंड द रवा वाज रेडी। और इतना मस्त लग रहा था ना, फिर बाद में उसके ऊपर हम लोग ने तुलसी पत्ता रख दिया, तो हमारा प्रसाद का शीरा हो गया रेडी। मैं आप लोग को दिखाती हूँ फाइनल लुक कैसा बना उसका। और इसमें मैंने जो जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले हम लोग ने इसमें बादाम को, नॉर्मल वाला जो बादाम आता है उसको रोस्ट करके लिया, चारोली को भी रोस्ट करके लिया क्योंकि चारोली का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और काजू जो था ना उसको रोस्ट करके लिया। सो दिस इज द फाइनल प्रसाद जो रेडी हो गया, एंड ट्रस्ट मी हाथ इतना दुख रहा था ना कंटिन्यूस इसको चलाते हुए, बट लेकिन सच में बहुत अच्छा बन गया। उसके बाद मैं चली गई चेंज करने के लिए, तो मैंने सबसे पहले फेस वॉश करके लिया, एंड आई वॉज लुकिंग एट द टाइम कि मेरे पास कितना टाइम है, तो आई जस्ट हैड 1 आवर टू गेट रेडी, तो सफिशियंट था। तो फटाफट यहाँ पे मैंने फेस क्लीन करके ले लिया, एंड उसके बाद हल्का सा फाउंडेशन वगैरह लगा के अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया। तो पहले मैंने सोचा पहले साड़ी ड्रेप कर लेते, मतलब ब्लाउज और पेटीकोट, और लास्ट पे मैं साड़ी ड्रेप करूँ क्योंकि वो तो क्या फाइनली 5 मिनट 10 मिनट में होने वाला काम है। सबसे मेन तो है मेरा हेयर और मेकअप होना, जिस जो मुझे फटाफट करना था। तो साड़ी पहनने के बाद कैसे उलझन होने लग जाता, तो मैंने सोचा पहले मेकअप कर लेते और मंदिर जाना था, तो इसलिए आई थॉट आई विल जस्ट पुट लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन, मतलब एकदम लाइट वेटेड वाला है, कुछ हैवी कवर वाला नहीं, थोड़ा सा साड़ी पहना ना तो प्रॉपर एक अच्छा लुक आने के लिए तो मैंने सोचा थोड़ा सा मेकअप कर लेते, तो आई स्टार्टेड विद द फाउंडेशन, थोड़ा थोड़ा करके मैंने फाउंडेशन लगाया, हल्का सा आई मेकअप किया, लिप्स किया, मतलब आई शेडो हाँ हल्का सा लगाया था, एंड लिपस्टिक लगा लिया, और फटाफट मेरा हेयर भी मैंने बना दिया। क्या एक तो मुझे मंदिर जाना था, तो मुझे ऐसा था कि बाल ओपन नहीं रखना है गर्मी में, और प्रसाद भी बांटना था तो ओपन हेयर रहेगा तो कहीं प्रसाद में बाल वाल गलती से ना चला जाए, तो मैंने सोचा मैं बाल ना बांध के ही जाती हूँ, एक अच्छा सा सिंपल सा हेयर स्टाइल कर लेती हूँ जैसा भी मुझे आएगा वैसे, और एक नीट लुक भी देगा। सो इसलिए मैंने एक बाल को अच्छे से हेयर स्टाइल दे दिया, और एक मतलब अच्छा बोलते ना डिसेंट साड़ी वाला लुक क्रिएट किया। ताई को भी बहुत अच्छा लगा, ताई बोलते अच्छी लग रही है, और सच में ताई भी बहुत सुंदर दिख रही थी वो रेड एंड ग्रीन साड़ी में जो आपको आगे दिखाई देगा, वो तो कुछ भी पहनते तो शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, सादा सा ड्रेस भी पहनेगी तो भी वो सुंदर ही दिखती है, उसका ऑरा ही वैसा है। तो बस मैं रेडी हो गई, मैं आपको दिखाते हूँ। सो दिस वॉज माई फाइनल लुक, नथ वगैरह पहन के, कानों में ये इतना सुंदर सा इयर रिंग, मैंने हेयर स्टाइल भी एकदम सिंपल कर दिया, 2 ट्विस्ट वाला किया था, पीछे से बन बांध दिया था जो मेरा, और एक्सेसरी ज्वेलरी जो मेरे पास ग्रीन साड़ी था जैसे मैंने ग्रीन वाला छोटा मंगलसूत्र पहना, और ऊपर मैंने रेड रोज वाला एक्सेसरी लगाया था, नीचे मोती वाला गजरा लगाया था, हाथ पे भी मोती वाला बैंगल पहना, नथ भी मोती वाला, इयरिंग भी मोती वाला, सो मोती मोती का, और ये इयरिंग बहुत सुंदर लग रहा था, प्रॉपर ग्रीन मरून ये शेड इसके साथ ना मैच, परफेक्ट मैच कर रहा था और सुंदर भी लग रहा था। सो मैं फुल रेडी हो गई थी, और साड़ी भी बहुत लाइट वेटेड हल्का, ज्वेलरी भी सब पहन के आई वॉज रेडी इन दिस ब्राइट रेड कलर का, ऑरेंजिश रेड कलर का लिपस्टिक, एंड ऑल सेट टू गो। मुझे ताई का कॉल आ गया था कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, सो यू बी रेडी नीचे आ जा करके, क्योंकि वो लोग वहीं से मुझे पिकअप करके लेके जाने वाले थे, मैं अमित और ताई हम लोग गाड़ी से जाने वाले थे, रेनिटा रॉस्टिन वेदू और उसका फ्रेंड आनंद वो लोग बाइक पे से आने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फटाफट मेरा प्रसाद जिस डब्बे में मैं लेके जा रही थी उसमें शिफ्ट कर रही थी, थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही थी और उसको अच्छे से स्प्रेड कर रही थी ताकि वो खुला खुला ही रहे, ऐसा जम ना जाए एक ही जगह पे, तो वो मैंने फटाफट करके लिया। और उसके बाद मैंने एक बड़ा सा बैग ले लिया, उसके अंदर मैंने ये डब्बा और बाकी जो मेरा ओटी का सामान मंदिर में जो भी मुझे लेके जाना था वो सारा मैंने उसमें रेडी करके रख दिया। एक बड़ा सा चमचा ले स्पून ले लिया जिससे मैं प्रसाद बांट सकूँ, अगर इनकेस वहाँ नहीं मिले, मिलेगा वहाँ पे, और वो यूजली बोलते ना खुद का घर का लेके जाओ तो अच्छा रहता है, मिले ना मिले पता नहीं। और मैंने छोटे छोटे डिस्पोजेबल भी ले लिया था कि अगर मुझे प्रसाद बांटना हो, अगर भंडारा खत्म हो जाए तो मेरे पास डिस्पोजेबल होगा तो मैं उसमें भरते जाऊँगी और बाकी लोग देते जाएंगे। तो फिर टिश्यू भी ले लिया था, डिस्पोजेबल भी लिया था, प्लेट्स भी लिए थे,
डिस्पोजेबल वाले, तो सब मैं रेडी करके ही लेके गई थी कि वहां जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसलिए बोलते ना ये एक्सपीरियंस ऑलवेज वर्क्स फॉर यू, ये सब मैंने मम्मी डैडी से ही सीखा है कि कहीं जाना हो तो सब आगे पीछे का सोच के जाना चाहिए कि वहां पे क्या पॉसिबिलिटी होगा क्या नहीं होगा। तो आपको पता है मंदिर में तो अभी इतना गर्दी रहेगा तो कोई अटेंशन नहीं देगा किसी के ऊपर, तो मैं सब अपना यहां से ही लेके गई थी कि वहां जाके ऐसा ना हो रहा, टिश्यू नहीं लाया, चम्मच नहीं लाया, डिस्पोजेबल नहीं लाया, तो मैं सब लेके गई थी। एंड लुक एट माय प्रसाद, इतना मस्त प्रसाद बना था ना, इसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा था, सबको पसंद आया। और 10 से 15 मिनट के अंदर ये पूरा डब्बा, मतलब ये व्लॉग में आप लोगों को डब्बा शायद छोटा दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत क्वांटिटी था। और 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा प्रसाद वहाँ पे ख़त्म हो गया। लोग आके लेके जा रहे थे कि घर पे लेके जाने के लिए दीजिए, थैली में दे दीजिए, इसमें दे दीजिए, मतलब मेरा दिल इतना खुश हो गया ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया ना कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा बनाया हुआ प्रसाद इतने लोगों को पसंद है और इतना फटाफट वो ख़त्म हो गया था। मुझे वही टेंशन हो रहा था, हम लोग इतना लेट जा रहे तो पता नहीं मंदिर में मुझे कोई मिलेंगे नहीं, बट मंदिर तो पूरा दिन चालू था तो आई हैड पीपल ओवर देयर। और हम लोग निकल चुके, मैं, ताई और अमित, हम लोग ये रहे गाड़ी में। ताई इतनी सुंदर लग रही थी ना, इसको किसी की नजर ना लगे, थू थू थू, शी वॉज रियली लुकिंग प्रिटी इन दैट रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन। मतलब हम लोग ऑलमोस्ट सेम सेम हो गया, मेरा मरून वाला ब्लाउज था, ताई का रेड कलर का था, और ताई ने सेम वो कमल वाला डिजाइन बनाया था जो मैंने नवारी पे स्टिच किया था, क्योंकि उस ताई को भी पसंद है और बहुत सारे और जन को भी पसंद आया था वो डिजाइन, तो ताई ने भी वैसा सेम स्टिच करके लिया और उस पर भी बहुत सुंदर दिख रहा था। शाम का टाइम था, सनसेट होने वाला था, इतना ब्यूटीफुल व्यू था और क्राउड देखिए कितने सारे, गाड़ी, रिक्शा, बसेस वगैरह सब आया था, मतलब इतना क्राउड था क्योंकि 9 दिन यहाँ कंटिन्यूस पब्लिक आती है दर्शन करने के लिए आएगा, और बहुत क्राउड था, मतलब फिर भी दर्शन अच्छे से हो गया, ऐसा धक्का धुकी वाला नहीं था, प्रॉपरली हो गया। एंड लुक एट ताई, शी लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सुंदर लग रही थी, और सनसेट का टाइम था ना तो वो एक अलग ही रोशनी था, तो बहुत, देखिए कमल का ब्लाउज इतना अच्छा लग रहा था ना, एकदम परफेक्ट फिट हो गया, ताई को भी स्लिम ट्रिम हो गई ना ताई, तो भी बहुत सुंदर दिख रही है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए ऊपर मंदिर में और वहीं से हम लोग ने ऊटी का सारा सामान लिया, साड़ी लिया। एंड ट्रस्ट मी, आज के ब्लॉग में ना, आज के डे में मेरे साथ इतने सारे चीज़ें फर्स्ट टाइम हुई ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि नवरात्रि में मैं ताई के साथ मंदिर आई हूँ, फर्स्ट थिंग वो हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं नवरात्रि में मंदिर में 1.25 किलो का प्रसाद बना के लेकर आई हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे प्रसाद बांटने को दिया गया, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने पास लिया और बोला हम बांटेंगे, तो वो बांटने का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम मिला। उसके बाद मुझे जो वहाँ पे प्रसाद बांटते वो बांटने के लिए भी दिया, जैसे चावल और दाल और मिक्स भाजी था तो मैं चावल डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो वो सेवा करने का भी मौका मुझे फर्स्ट टाइम मिला, ऑल थैंक्स टू ताई। ये देखिए, पहले मैं प्रसाद बांट रही थी, फिर वेदू आ गया, तो वेदू बोला मामी बाजो जा, मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो फिर वेदू प्रसाद दे रहा था और मैं जो चावल के काउंटर पे लेडी थी ना, ताई थी, उनको मैंने बाजू करके, मैंने बोला मुझे सेवा कर दे दो। तो दिस एक्सपीरियंस जस्ट टच्ड माय हार्ट, मतलब आज ये पूरे दिन में मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें ऐसी फर्स्ट टाइम हुई है ना, एंड आज का दिन मेरा सबसे बेस्ट डे ऑफ, वन ऑफ माय बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ आप बोल सकते हो, ये सेवा करके मुझे इतना अच्छा लगा। तो हम लोग का देखो प्रसाद खत्म भी हो गया और उसके बाद हम लोग ने फोटो खींचा, उसके बाद हम लोग आ गए घर पे ताई के पास वापस। सानो भी मस्त, जो ताई ने दिया हुआ ड्रेस था ना वही पहन कर आई स्पेशली ताई के लिए, ताई को दिखाने के लिए कि देखो आज तो कितना अच्छा दिख रहा है मेरे ऊपर। ताई भी बोली हाँ, मैंने वो सोनाली के गोद भरा वाले ब्लॉग में देखा था सानो को पहनते हुए। और ये रही आई, आई का दर्शन कर लो ग्रीन साड़ी में। और शाम को भी मुझे मतलब रात को मुझे फर्स्ट टाइम ताई के हाथ का उपवास का खाना भी खाने मिला। दिस वॉज उपवास का कड़ी जो बहुत टेस्टी था, मैं कभी रेसिपी शेयर करूंगी। और ये उपवास का डोसा था जिसमें साबुदाना को सोख करके, वरी का भात सोख करके, उसको दही में ग्राइंड करके, मिर्ची जीरा डाल के ऐसा चीला जैसे बनाते, बहुत टेस्टी बना था। तो बहुत अच्छे से गया मेरा डे, इट वॉज अ स्पेशल डे ऑफ माई लाइफ। आई होप आप लोग ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा, मेरा प्रसाद का शीरा कैसा लगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, एंजॉय नवरात्रि और हैव अ गुड डे। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी मैं जा रही हूँ ताई के आपका गर्मा गर्म उपवास का डोसा एंजॉय करने के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, राधे राधे, हरे कृष्णा, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।